अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ टेक वीकेंड। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ना लोकल और जो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह नहीं होता वो देता हूँ। अब अगर उससे पहले ये भाई कीबोर्ड का गिव अवे चल रहा है, दो चार दिन में रिजल्ट आ जाना या वीडियो का लिंक आ रहा होगा, पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाके पार्टिसिपेट कर लो। बाकी खैर अपडेट्स की तरफ आते हैं। तो पहली जो अपडेट्स है वो आ रही है सीधा मरी से, और हमारे जो बुज़दार साहब हैं सीएम पंजाब, वो प्लान कर रहे हैं कि मरी के अंदर जो है ना सेफ सिटी का प्रोजेक्ट वो इंस्टॉल किया जाए। और मेरे ओपिनियन के अंदर ना ये पाकिस्तान के हर शहर के अंदर होना चाहिए। अब उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा ये पर्सनली ये चीज़ काम आई थी। एक दफ़ा मेरी बाइक एक्सचेंज हो गई थी, एक बंदा मेरी बाइक लेके चला गया और अपनी छोड़ के चला गया। वो खैर मैंने कंप्लेन की, उन्होंने कैमराज में देख के जो है वो उसी दिन के अंदर जो मामला है वो सारा सॉल्व कर दिया। तो ये चीज़ काफ़ी फिट है, और देखते आगे फ्यूचर के अंदर कब तक जो है ये इम्प्लीमेंट होती है मरी के अंदर और बाकी सिटीज़ के अंदर। तो ओवरऑल जो इनका प्लान है वो काफ़ी सही है, बाकी देखो कब तक ये है ये इम्प्लीमेंट होती है। बाकी नेक्स्ट अपडेट को देख लें तो भाई ये आ रहा है नूबिया Z40 Pro से रिलेटेड, और ये बेसिकली एक गेमिंग मोबाइल फ़ोन की कंपनी है। गेमिंग इनकी सीरीज़ लॉन्च होती है, और इसके अंदर जो है इसका जो कैमरा उससे रिलेटेड इन्होंने एक पिक्चर रिलीज़ की है, जिसके अंदर ये जो बिल्ली की तस्वीर है काफ़ी फिट किस्म की आई है। और अक्सर ही जो है ना उन्होंने बेसिकली टीज़ किया कि गेमिंग जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर भी अच्छा कैमरा आ सकता है, तो रेयरली हमें देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वैसे जो हार्डवेयर है वो भी जेन्युइन और 12-13 GB रैम 16 GB, तो ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन है वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी रिलीज़ होता है तो देखते हैं क्या स्पेक्स के साथ में आता है, और पाकिस्तान के अंदर वीडियो वाली सरकार है वही शायद इसकी अनबॉक्सिंग करें, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी अगला जो अपडेट है वो है भाई LG से रिलेटेड, और इन्होंने अपना 27 इंच का क्वाड HD अल्ट्रा गेयर गेमिंग मॉनिटर लॉन्च कर दिया $280 के अंदर। अब ये पाकिस्तान के अंदर नहीं अवेलेबल, अगर कोई US या UAE के अंदर आप लोगों का जाने वाला रहता है तो वहाँ से आप मंगा सकते हो 50,000 के अंदर आप लोगों को। 144Hz LG का मॉनिटर है 27 इंच का क्वाड HD NVIDIA G-Sync के साथ, और पतले पतले बेजल्स, तो ओवरऑल जो मॉनिटर है वो काफ़ी फिट किस्म का है, बाकी मेटल बॉडी के अंदर है तो LG का तो आप लोगों को पता है। बाकी मेरा भी प्लान है लेने का, देखो क्या सीन वगैरह बनता है, मगर पहले लैपटॉप लेना, उसके बाद पूरा सेटअप वगैरह रेडी करना है, तो प्लान छा रही हैं। बाकी अगले अपडेट को देख लें तो भाई ये सबसे बड़ी दो नंबरी है, ये क्रिप्टो से रिलेटेड है, और अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को पता होगा। तो भाई बाइनेंस ने आज से 2 साल पहले फोर्ब्स के ऊपर जो है वो सू किया था कि इन्होंने आर्टिकल लिखा जिससे हमारा नुकसान वगैरह हुआ है, और आज एग्जैक्ट 2 साल के बाद उन्होंने $200 मिलियन फोर्ब्स के अंदर इन्वेस्ट कर दी है, जिसके बाद वो क्या ये रहे कि हम साथ में काम करेंगे Web 3.0 को डिवेलप वगैरह, उससे रिलेटेड इनका जो आगे प्लानिंग्स वगैरह वो चल रही है। मगर एक्चुअल के अंदर ये बस होता यही है, बाकी इनकी न्यूज़ वगैरह भी आएगी कि क्रिप्टो ऊपर जा रही है और ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। आप एक जो है ना बिजनेस इनसाइडर की एक वीडियो अगर आपने शायद देखी हो तो उसके अंदर सारा बताया इनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाकी डूबते हैं पैसे क्या कर सकते हैं। अगला अपडेट देख लें तो भाई अगला अपडेट है टिकटॉक से रिलेटेड, और एक ओकाड़ा के अंदर लेडी पुलिस ऑफिसर थी जिन्होंने अपनी यूनिफॉर्म के अंदर टिकटॉक बना के जो है वो रिलीज़ की, और उसके बाद वो वायरल होगी, और अब उनके ऊपर FIR जो है वो लॉन्च हो गई है। वैसे तो वो कहीं पे भाग गई हैं, पता नहीं जब पकड़ी जाएंगी तो देखो क्या बनता है, मगर रूल है वो रूल है, तो ये सारा सीन वगैरह हो गया है, तो ये सारा इतिहास करनी चाहिए। बाकी अगला अगर देख ले न्यूज़ तो वो आ रही है भाई अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर काउंटरफिट पार्ट्स को यूज़ किया जा रहा है, जो कि रिपोर्ट आई है। अब इन जैसे मुल्कों के अंदर भी अगर आप 2 नंबर पार्ट्स इस्तेमाल करें, वो भी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर, तो पता नहीं बाकी हम जैसे यहाँ पे क्या सीन होते होंगे। तो खैर काफ़ी सीरियस किस्म की न्यूज़ है, और कोई पार्ट फेल हो जाए तो कितना बड़ा मसला हो सकता है वो हम लोगों को क्या पता हो, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। खैर अगला अपडेट जो है वो आ रहा है गूगल से रिलेटेड, और गूगल ये प्लान कर रहा है कि वो जो कुकीज़ वगैरह नहीं हमारी ट्रैकिंग वगैरह वो ख़त्म कर दे, और जो हमें वो पर्सनलाइज एड्स वगैरह आते हैं वो आना बंद हो जाए, मगर इन्होंने कुछ और डिवेलप कर लिया होगा, इतने अच्छे नहीं हैं ये लोग, तो देखते हैं क्या बनता है ब्राउज़र के अंदर। बाकी अगला अपडेट जो है वो भाई इंटेल से रिलेटेड है,
और इंटेल प्लान कर रहा है कि जो क्रिप्टो के अंदर जो माइनिंग मशीन के अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगते हैं उसकी जो मार्केट है उसको कैप्चर कर ले। अब ये तकरीबन पिछले 2 साल से ये न्यूज़ आ रही है, मगर वो बीच में चिप शॉर्टेज वगैरह हो गई, तो अब देखते हैं किस तरह से इस चीज़ को ये लोग टैकल करते हैं और जो मार्केट है उसको करते हैं और बाकी सस्ते में है, बाकी GPU भी सस्ते हों, थोड़ा सांस उन लोगों को मिले, तो देखते हैं क्या सीन वगैरह बनता है। बाकी न्यूज़ तो ये लोग कहते ही रहते हैं, इस तरह से अब तक हुआ नहीं कुछ। खैर, अगला जो अपडेट है वो है वीवो से रिलेटेड, और वीवो IQ9 को जो है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने वाला है। इन्होंने डेट्स जो है वो रिलीज़ कर दी हैं, 23 फरवरी को इसका रिलीज़ है और मोबाइल फ़ोन काफ़ी फिट किस्म का है, इंडिया के अंदर ये लॉन्च हो चुका है, तो ओवरऑल मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं पाकिस्तान में आके ये क्या करती हैं, और ये BMW की वो एडिशन के साथ में जो है वो आता है, तो मैं भी वैसे प्लान कर रहा हूँ, बजट वगैरह इकट्ठा कर रहा हूँ कि मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग वगैरह चैनल पर स्टार्ट करें, तो वो भी इंशाल्लाह होगा, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाकी अगला लास्ट अपडेट जो है वो है S22 से रिलेटेड, और इसका जो है भाई जो टेस्ट है वो किया हुआ है, वो जो आप जेरी रिग के अंदर नहीं देखते हर चीज़ के वो उखाड़ के रख देता है मोबाइल को, तो इस तरह एक चैनल है उसने इसका टेस्ट किया और इसके अंदर उसने इसको रिकमेंड किया है कि ये टफेस्ट मोबाइल है 2022 के अंदर अब तक का, और ओवरऑल भी आप देख लो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, और होगा भी डेफिनेटली, एक तो स्क्वेयर फॉर्म के अंदर और उसके अलावा जो अच्छे मटेरियल हैं वो यूज़ किए जाते हैं फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन के अंदर, और गोरिल्ला ग्लास विक्टस को इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, तो Level 7 तक तो वैसे स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते, रियली जो स्क्रैच है वो पड़ता है, और इससे ज़्यादा आपके डायमंड्स वगैरह से स्क्रैचेस वगैरह आएंगे या सफायर से आएंगे, तो ये भाई सारा सीन वगैरह इसका। बाकी IP68 की वो ही होती है, वो रेजिस्टेंट वो पहले ही चेक करके भेजते हैं, तो ये कुछ इसका सीन वगैरह है। बाकी ये सारी अपडेट्स वगैरह थी, तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई सवाल वगैरह मेरे से पूछना है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।